ओके आज की वीडियो में आपको इस नए वाले बियर रैंक के सीजन के लिए 10 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप अच्छी तरह से फॉलो करोगे ना तो आप काफी आसानी से इस नए वाले सीजन में रैंक पुश कर पाओगे। इस अपडेट के बाद एक बार सोलो में रैंक पुश करना ना काफी ज्यादा इजी हो गया है। एंड अगर आप मेरे सभी टिप्स को अच्छी तरह से फॉलो करोगे ना तो आप काफी आसानी से इस सीजन में ग्रैंड मास्टर भी कर सकते हो। एंड देखो यार, मुझे पता है कि मैं काफी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से ना मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। मैं बीच में बीमार हो गया था, जिसकी वजह से ना मेरी आवाज थोड़ा भारी हो गया था, जिसके कारण मैं ठीक से वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा था। तो अभी मैं पूरी तरह से ठीक हो गया एंड आपको ना यहाँ पे रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो यार बस बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको लोड आउट में क्या क्या चीजें यूज करनी है। तो देखो यार, सोलो में रैंक पुश करते टाइम ना मैं हमेशा लोड आउट में बॉनफायर का ही यूज करता हूँ, क्योंकि बॉनफायर मेरे को बहुत सारे सिचुएशन में हेल्प करता है। जैसे कि देखो, अगर आप जोन के बाहर फंस जाते हो और वहाँ पर अगर आपके पास मेडिकेट नहीं होता ना, तो आप काफी आसानी से बॉनफायर की मदद से अपने हेल्थ को रिकवर करके जोन के अंदर आ सकते हो। एंड इसी के साथ देखो यार, बॉनफायर आपको सबसे ज्यादा मदद फाइट लेते टाइम करता है। जब आपको कोई एनिमी बहुत ज्यादा डैमेज कर देते ना, तो वहाँ पर अगर आप मेडिकेट का यूज करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो एनिमी आपके ऊपर काफी आसानी से रश करके आपको खत्म कर सकता है। तो इस सिचुएशन में देखो, जो वहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं ना, तो अगर आप उस टाइम पे मिडगेट की जगह पे बॉनफायर का यूज करोगे ना, तो आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। इधर से बॉनफायर की वजह से ना आपका हेल्थ यहाँ पे काफी जल्दी फुल हो जाएगा। अगर आपके ऊपर एनिमी रश भी कर देते ना, तो आप काफी आसानी से उस बॉनफायर के एरिया में रहते हुए ना उसे खत्म कर सकते हो। एंड अब बात करें कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की, तो देखो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, इस वीडियो के बाद आप उसे चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने आपके रोल के हिसाब से दो टाइप के कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बात की है। अब बात करते हैं लैंडिंग की। देखो सोलो मोड में खेलते टाइम ना आपको लैंडिंग उस जगह पे करनी है जहाँ पर ना बहुत सारे बंदे उतरते हैं, क्योंकि अपडेट के बाद ना अगर आप सोलो मोड में खेलते टाइम फर्स्ट 3 मिनट में मर जाते हो ना, तो आप एक बार वहाँ पे रिवाइव हो सकते हो। एंड ये चीज ना मेरे को उस वीडियो को अच्छी लगी है, कर लेना। तो इसलिए आपको उन सभी प्लेसेस पे लैंड करनी है जहाँ पर बहुत सारे बंदे उतरते हैं, जिससे कि आप काफी आसानी से स्टार्टिंग में ही 2-3 किल कर पाओ। अगर जो आप वहाँ पे फर्स्ट 3 मिनट में ही मर जाते हो ना, तो वहाँ पर जो आप एक बार सेल्फ रिवाइव हो गए ना, तो सेल्फ रिवाइव होने के बाद ना आपको एकदम सेफ जगह पे लैंडिंग करनी है। आपको वापस उस जगह पे नहीं जानी है जहाँ पर आप मरे थे। मैंने सोलो में खेलते टाइम ना बहुत सारे बंदे को ऑब्जर्व किया कि जैसे ही वो मरते हैं ना, तो वापस वो उसी जगह पे लैंड करते हैं। एंड मैंने इस चीज का ना काफी एडवांटेज लिया। मैं वहीं पे उसी जगह पे छुप के वेट करते रहता हूँ, जैसे वो बंदा वापस अपनी लूट पे उतरता है ना, तो मैं काफी आसानी से उसे खत्म कर देता हूँ। तो इस बात का ना आपको जरूर से ध्यान रखना, जब आप दूसरी बार रिवाइव होते हो ना, तो आपको एक अच्छे से जगह पे लैंड करनी है एंड फिर वहाँ पर ना आपको सेफ तरीके से लूट करनी है। अब बात करें लूट की, तो देखिए इस अपडेट के बाद ना लूट करना काफी ज्यादा ईजी हो गया है। अभी ना मैप में आपको एक नया लूट एरिया मिल जाता है जिसका नाम है आर्सेनल। एंड इस आर्सेनल को ओपन करने के लिए ना आपको एक क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको लूट करते टाइम क्रिप्ट की मिल जाता है ना, तो काफी बढ़िया बात है। एंड वहाँ पर अगर आपको क्रिप्ट की नहीं मिलता है ना, तो आपको जल्दी से 600 टोकन कलेक्ट करना है, फिर आपको वेंडिंग मशीन से 600 टोकन में एक क्रिप्ट की ले लेनी है। एंड फिर आपके नजदीक जो भी आर्सेनल होता है ना, उस आर्सेनल के पास आपको जल्दी से चला जाना है एंड फिर वहाँ पर आप काफी आसानी से लूट कर सकते हो। उधर ना आपको बहुत ही ज्यादा तगड़ी लूट मिल जाती है, काफी सारे वहाँ पर आपको लेवल 3 के अपग्रेडेबल गन्स, ग्लोवास, सुपर मेडिकेट्स एंड इसी के साथ आपको वहाँ पे लेवल 4 के वेस्ट एंड लेवल 3 का हेलमेट भी मिल जाता है। तो अगर आप एक आर्सेनल को अच्छी तरह से लूट लोगे ना, तो वहाँ पर आपका लूट काफी इजिली कम्प्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, अगर आपके आसपास डिफेंडर एयरड्रॉप गिरता है ना, जो एयरड्रॉप लेवल 3 तक चार्ज होता है, तो अगर वो एयरड्रॉप आपके आसपास गिरता है ना, तो उसको आपको जरूर से लूटना है, क्योंकि जब वो एयरड्रॉप लेवल 3 तक चार्ज हो जाता है ना, तो उस एयरड्रॉप से आपको ग्रोजा एक्स एंड M249X जैसे गन्स तो मिलते ही है, लेकिन उसी के साथ ना आपको एक बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज मिलती है एंड वो है हॉरिजन लाइन। हॉरिजन लाइन देखो यार, सोलो मोड में खेलते टाइम ना बहुत ही ज्यादा काम देती है। अगर आप किसी बंदे से कवर में रहते हुए फाइट ले रहे हो ना, तो वहां पर अगर आपको वो बंदा नॉक कर भी देते हैं ना, तो आप काफी आसानी से उधर आप सेल्फ रिवाइव हो सकते हो। एंड देखो हॉरिजन लाइन आपको सबसे ज्यादा काम आता है लास्ट जोन्स में। जैसे कि इधर बैकग्राउंड क्लिप में देखो, जब हमारे साथ 1v1 का सिचुएशन होता है ना, तो कई बार सामने वाले एनिमीज ना वहाँ पर हील बैटल करने लगते हैं। तो वहाँ पर अगर आपके पास हॉरिजन लाइन होता है ना, तो आप काफी आसानी से उस मैच को बुया निकाल सकते हो। अब देखिए, सोलो में रैंक पुश करते टाइम जब भी आप किसी भी बंदे से फाइट लेते हो ना, तो वहाँ पर आपको थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि सोलो में रैंक पुश करते टाइम ना थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा होता है। आप जब किसी एक बंदे से फाइट ले रहे हो ना, तो वहाँ पर कब दूसरा बंदा आके टपक जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जब भी आप किसी बंदे से फाइट लेते हो ना, तो आपको वहाँ पे कवर में रह के फाइट लेना है एंड आपको ना वहाँ पे पूरा सावधान होकर फाइट लेना है, चारों तरफ देखते रहना है कि कहाँ कहाँ पे बंदे हैं। और एक और चीज देखो, जब आप सामने वाले बंदे को खत्म करके उसका लूट लूटने जाते हो ना, तो आपको हमेशा वहाँ पे ग्लुआ लगा के ही लूट करनी है। आपको बिना ग्लुआ लगाए बैग ओपन करके लूट नहीं करनी है। अगर आप बिना ग्लुआ लगाए लूट करोगे ना, तो आपको काफी आसानी से कोई भी बंदा हेडशॉट मार के खत्म कर देगा। तो इन सभी चीजों का ना आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब अगले टिप में देखो, आपको ना अपने पास कम से कम तो एक मिनी लॉन्च पैड रखना ही रखना है। मिनी लॉन्च पैड ना आपको किसी भी एक एयरड्रॉप में मिल जाएगा। देखो ये जो मिनी लॉन्च पैड है ना, ये आपको बहुत ज्यादा काम देगा। अगर आप जोन के बाहर फंस जाते हो ना, तो वहाँ पर आप मिनी लॉन्च पैड का यूज करके काफी आसानी से जोन के अंदर आ सकते हो। एंड साथ ही देखो यार, फाइट लेते टाइम अगर आपके पास बहुत सारे एनिमीज आ जाते हैं ना, तो वहाँ पर फटाक से मिनी लॉन्च पैड का यूज करके उधर से एस्केप हो सकते हो। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो यार, मिनी लॉन्च पैड का यूज करके ना आप काफी आसानी से किसी भी हाइट प्लेसेस पे जा सकते हो। एंड लास्ट जोन में देखो, अगर आप किसी हाइट वाले प्लेसेस पे चले जाते हो ना, तो वहाँ पर आपको काफी आसानी से किल्स मिलने वाले हैं एंड काफी आसानी से आप उस मैच को बुया भी कर सकते हो। जैसे कि इधर बैकग्राउंड क्लिप्स में देखो यार, यहाँ पे मैं कितना आसानी से सामने वाले बंदे को
फिनिश कर रहा है। उन्होंने पता भी नहीं चल रहा यार कि ये बंदा मुझे कहां से मार रहा है। अब देखा रैंक पुश करते टाइम ना एक चीज ना बहुत ज्यादा मैटर करती है, एंड वो है डिसीजन मेकिंग। अगर आप वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से सही डिसीजन लेते हो ना तो आप काफी आसानी से उस मैच को बुया निकाल सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो यहाँ पे ना मैं सामने एक बंदे से फाइट ले रहा होता हूँ, सामने ड्रॉप के पास देखो एक बंदा होता है जिसको मैं काफी आसानी से हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। वो बंदा नॉक इसलिए होता है क्योंकि उसके पास हॉरिजॉन्टल होता है, एंड उस बंदे को जब मैं फिनिश कर रहा होता ना उतने में एक बंदा मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। तो मैं फटाक से यहाँ पे ग्लोआ से लगा देता हूँ, एंड ग्लोआ लगाने के बाद मैं जल्दी से यहाँ पे बॉनफायर का यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो बॉनफायर मेरे को कितना ज्यादा हेल्प कर रहा है, एंड यहाँ पर जब मैं अपने हेल्थ को फुल कर लेता हूँ ना तो इतने में ही देखो इधर जोन भी आ जाता है, एंड मैं इधर ना जोन के बहुत ज्यादा बाहर हो जाता हूँ। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट जोन को कवर करना स्टार्ट कर देता ना पैदल चल के तो सामने जो बंदे है ना वो मेरे को काफी आसानी से खत्म कर देते। तो इसीलिए जोन को कवर करने के लिए ना यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ, यहाँ पे मुझे एक व्हीकल मिल जाती है। ये जो व्हीकल है ना ये व्हीकल बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गया है अपडेट के बाद। अगर आपके पास मिशा नहीं होता ना तो आप इसी व्हीकल का यूज करना। अभी देखो जब मेरे को ये व्हीकल मिल जाता है ना तो मैं काफी आसानी से जोन का रोटेशन ले लेता हूँ। यहाँ पे इधर राइट साइड से मैं काफी आसानी से जोन के अंदर आ जाता हूँ, एंड इस मैच को ना मैं बाद में बुया भी कर लेता हूँ। तो इसीलिए देखो डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए यार कि कब मुझे फाइट लेना है एंड कब मुझे फाइट नहीं लेनी है। अब इसके बाद मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बता देता हूँ जिसे अगर आप यूज करोगे ना तो आप किसी भी बंदे का गाड़ी फोड़ सकते हो, चाहे वो बंदा मिशा कैरेक्टर का यूज क्यों नहीं कर रहा हो। तो इसके लिए देखो अगर आपको वहाँ पे एंटी मटेरियल लॉन्चर मिलता है ना जिसे हम RGS 50 कहते हैं, तो अगर ये गन आपको मिलती है ना तो ये आपको जरूर से उठा लेनी है। अगर आपके पास ये गन होती है ना तो ये आपको बहुत ज्यादा काम आती है। सबसे पहले देखो जैसे आप किसी बंदे को गाड़ी चलाते हुए देखते हो ना तो जब आप इस गन से उस बंदे के ऊपर फायर करोगे ना तो उसके गाड़ी पे ना इस गन की वजह से एम लॉक आ जाएगा, एंड जब वो बंदा अपना गाड़ी को थोड़ा सा भी सीधा ड्राइव करने लगेगा ना तो अपना आपको इस गन का यूज कर देना है। जिसके बाद ना अगर वो बंदा बाइक चला रहा ना तो इस गन की एक ही गोली से उसका बाइक ब्लास्ट हो जाएगा, एंड फिर जिसके बाद ना आप काफी आसानी से उस बंदे को फिनिश कर सकते हो। एंड एक और चीज देखो अगर आपके पास ये वाला गन होता है ना तो आप काफी आसानी से सामने वाले बंदे का ग्लोआ तोड़ सकते हो। अगर आपने किसी बंदे को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है तो वहाँ पर अगर उस बंदे ने ग्लोआ लगा दिया ना तो आप काफी आसानी से इस गन की दो गोली में उस बंदे का ग्लोआ तोड़ सकते हो, एंड फिर जब एक बार उस बंदे का ग्लोआ टूट जाएगा ना तो आप काफी आसानी से उस बंदे को फिनिश कर सकते हो। अब अगली टिप में देखो आपको ना यूवी लाइट्स का जरूर से यूज करना है। अगर आपके पास यूवी लाइट होता है ना तो आपके लिए जोन रोटेशन ना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, एंड अगर आप अच्छी तरह से जोन का रोटेशन ले लेते हो ना तो आप काफी आसानी से उस मैच को बुया निकाल सकते हो। देखियो लास्ट वाली जोन में जब आप जोन का रोटेशन लेने लगते हो ना तो आप जिस भी डायरेक्शन से जोन को कवर करने वाले रहते हो ना वहाँ पर आपको उसी डायरेक्शन में एक यूवी लाइट का यूज कर देना है, जिससे कि ना आपको वहाँ पे अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि सामने कोई एनिमी है या नहीं। एंड देखो मैं इस चीज को ना हर एक मैच में फॉलो करता हूँ, मैं स्टार्टिंग में ही 3-4 यूवी लाइट खरीद लेता हूँ, एंड लास्ट वाले जोन में मैं जिस भी साइड से जोन का रोटेशन लेता हूँ वहाँ पे मैं यूवी लाइट का यूज कर लेता हूँ, जिससे कि सामने जो भी एनिमीज होते हैं ना उनका लोकेशन मुझे काफी आसानी से पता लग जाता है। अभी आज की वीडियो की सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप अच्छी तरह से सर्वाइव करके टॉप 5 कर लेते हो ना तो वहाँ पर आपको कैसे उस मैच को बुया निकालना है। तो सबसे पहले देखो लास्ट जोन में ना आपको वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा परमानेंट कवर का यूज करना है। आपको जहाँ पे भी जोन के अंदर परमानेंट कवर मिलते हैं ना वहाँ पर आपको सबसे पहले चले जाना है, एंड वहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा थर्ड पार्टी करने का ट्राई करना है। एंड फिर जब आपके सामने 1v1 का सिचुएशन होता है ना तो उस सिचुएशन में ना आपको पूरा कॉन्फिडेंट रहना है, आपको सामने वाले बंदे से बिल्कुल भी नहीं डरना है, एंड आपको ना वहाँ पे ग्लोआस का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। जैसे आप सामने वाले बंदे पे 3-4 गोली फायर करते हो ना तो उसके बाद आपको ग्लोआस लगा देनी है। अगर आपके पास SMG गन होता है ना तो आपको पूरा क्लोज नहीं जाना, आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखना है जिससे कि आप काफी आसानी से उसे ड्रैग हेडशॉट मार सको। एंड वहीं अगर आपके पास शॉटगन होता है ना तो आपको उस एनिमी के ज्यादा से ज्यादा क्लोज जाने का ट्राई करना है, क्योंकि शॉटगन में आप शॉटगन की 2-3 गोली से ही ना एनिमी को काफी आसानी से मार सकते हो। तो यार इस वीडियो में आपको जो भी टिप्स बताई है ना अगर आप इसे अच्छी तरह से फॉलो करोगे ना तो आप काफी आसानी से रैंक पुश कर पाओगे। इस अपडेट के बाद देखो सोलो में रैंक पुश करना ना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो 1 लाख जरूर कर देना, अगर आप हमारे चैनल पे नए थे सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में।